हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं अपने पार्ट सिक्स के, जो चैप्टर सिक्स आपका, उसके पार्ट थर्ड के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक छोटा फॉन यानी जो मृगशावक है, जो हिरणी का जो बच्चा है, उसके बारे में बात की गई थी, जिसकी माँ को यानी डॉय को उन्होंने यूज़ में कर लिया था या मारकर उसका शिकार कर लिया था। उसके फादर, जिसको रैटल स्नैक के द्वारा काट लिया गया था, तो उस डॉय के लीवर और हार्ट को, उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए यूज़ कर लिया गया था। इस तरह जो डॉय थी वो मर गई थी और उसका जो बेबी फॉन था उसको ढूंढने की इसमें बात की जा रही थी। तो अब हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट पर। क्या जो जॉर्डी नाम का जो बच्चा है, वो जॉर्डी नाम का बच्चा उस फ़ोन को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं ढूंढ पाएगा, ये हम कंप्लीट करेंगे इस पार्ट के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आने के लिए इंस्पायर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कंटिन्यू करते हैं अपना पार्ट थर्ड। वूमेन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, कि जो मूवमेंट था वो कैसा हो रहा था, धीरे सीधे उसके सामने की जो हलचल थी उससे विस्मित हो गया था। विस्मित होने का मतलब उससे अचंभित हो गया था। स्टार्टेड का मतलब होता है विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कि उसके सामने जो मूवमेंट हो रहा था वो उसे विस्मित हो गया था। एंड सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और इसलिए वो पीछे की तरफ, टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर गिर गया। द फोन लिफ्टेड इट फेस टू हिज, जो फ़ोन था, जो मृगशावक था, उसने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया, मतलब जो झाड़ी जहाँ पर जो जॉर्डी है वो उसको ढूंढ रहा था फ़ोन को, तो अब वो फ़ोन उसे मिल चुका था और उस फ़ोन ने उस जॉर्डी की तरह अपना फेस उठाकर देखा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रो विद अ स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। लिक्विड आइज का मतलब आंसुओं से भरी हुई या द्रवित आँखें होता है। ठीक है, तो द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, कि जो फ़ोन था उसने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया। इट टर्न इज इट्स हेड विद अ वाइड, और साथ ही साथ उसने अपना सिर चौड़ी और विस्मित कर देने वाली गति से घुमाया, मतलब उसकी तरफ जो देखा उसने, तो वो इस तरह से देखा कि वो बिल्कुल अपने सिर को बिल्कुल चौड़ी और विस्मित कर देने वाले तरीके से, अपने आँखों को घूरने के तरीके से, और उसकी आँखों की जो घूरन थी वो कैसी थी, बिल्कुल द्रवित आँखें थी उसकी, बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई जो आँखें थी उसकी, तो उन आंसुओं की भरी हुई आँखों से उसने देखा। और इसकी वजह से जो जॉर्डी था वो कैसा हो गया था, और इसकी वजह से जो जॉर्डी था वो शुक हिम का मतलब होता है हिला देना या अंदर तक सिरहन पैदा कर देना। ठीक है, तो जो जॉर्डी था जब उसने फ़ोन को इस तरह से देखा तो वो अंदर तक सिहर उठा था। ठीक है, इट वॉज क्विकरिंग, जो जॉर्डी के साथ साथ जो फ़ोन था वो कैसा था, क्विकरिंग का मतलब होता है कांप रहा था, जो फ़ोन जो था वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि ना ही तो वो उठे और ना ही वो वहाँ से दौड़कर जाए, तो ऐसा प्रयास उसने बिल्कुल भी नहीं किया। किसने नहीं किया ऐसा प्रयास, ये प्रयास उस फ़ोन ने नहीं किया। यहाँ पर जो इट वर्ड आ रहा है, ये इट आ रहा है उस फ़ोन के लिए, क्योंकि ये हमें पता है कि जब हम किसी सजीव वस्तु के बारे में बात करते हैं तो जो पुल्लिंग यानी कि जो मस्कुलाइन होते हैं उनके लिए हम ही का यूज़ करते हैं, जो जेंडर के अंदर जो फेमिनाइन होते हैं उनके लिए हम शी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए और लिविंग थिंग के लिए दोनों के लिए करते हैं। तो इट जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये इट वर्ड आपका उस फ़ोन के लिए आ रहा है। तो जो फ़ोन था उसने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की कि वो वहाँ से उठे या दौड़े। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और लेकिन जॉर्डी जो था उसने भी आगे बढ़ने का स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं कर सका, उसने उसे भी ये विश्वास नहीं था कि मैं अब आगे बढ़ूँ और उसको पकड़ लूँ। ही विस्पर्ड इट्स मी, वह धीरे से बोला, जो जॉर्डी था वो धीरे से बोला इट्स मी, यह मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, जो फ़ोन था उसने अपनी नोज़ को ऊपर उठाया। एंड सेंटिंग हिम, और सूंघते हुए, उसे सूंघते हुए उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और एक हाथ बाहर निकालकर उसकी मुलायम गर्दन पर रख दिया। किसके सॉफ्ट नेक पर, जो फ़ोन था उस फ़ोन के सॉफ्ट नेक के ऊपर उसने अपना हाथ रखा। द टच मेड हिम डेलीरियस, जो टच था, जो स्पर्श था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न कर देने वाला था, मतलब जो स्पर्श था जॉर्डी का वो उसको अत्यधिक प्रसन्न कर देने वाला था। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वह अपने चारों पर आगे की ओर बढ़ा, अपने चारों मतलब अपने चारों हाथों पैरों पर, जो कि चार हाथ पैर होते हैं जानवर के सभी जानते हैं, तो उन चारों हाथ पैरों पर वो आगे की ओर बढ़ा। एंड अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड हिम, और तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वो उसके बिल्कुल समीप नहीं आ गया, मतलब उसके बिल्कुल पास नहीं आ गया। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और उसने अपनी बाहें जो कि उसके शरीर के चारों ओर डाल दी। ए लाइट कन्वल्जन,
पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। एक हल्की सी सिरहन जो कि उसके ऊपर से गुजरी लेकिन यह उसे हिला नहीं सके। सीवर का मतलब होता है सिरहन, जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ही स्ट्रोक इट साइड एज जेंटली एज थ्रो द फोन वर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटली, वह उसे स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक्स का मतलब होता है सहलाना, कि जो जॉर्डी था वो उस छोटे से बच्चे को, उस फोन को इतने प्यार से सहला रहा था, इतनी सहजता से सहला रहा था, इतनी जेंटली, कि जैसे कि जो फोन है वो कोई एक चाइना डियर है। चाइना डियर का मतलब होता है चाइना मिट्टी से बना हुआ या चीनी मिट्टी से बना हुआ, जैसे कोई खिलौना होता है जिसको हम बिल्कुल सॉफ्टली या बिल्कुल जेंटली तरीके से जिसे हाथ में उठाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो जॉर्डी था वो उस फोन को बिल्कुल धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे कि ही माइट ब्रेक इट, जैसे कि वो उसे टूट नहीं जाए, अर्थात वह उसे तोड़ सकता था, इतने धीरे वो उसको हिला रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। स्लीक का मीनिंग होता है स्मूथ एंड शाइनी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बिल्कुल स्मूथ था, बिल्कुल शाइनी यानी चमकीला था और बिल्कुल क्लीन था जितना, और उसके अंदर से एक जो घास की जो मधुर सुगंध थी, वो सुगंध या बिल्कुल गंध जो है बिल्कुल घास के जैसी वो उसके अंदर से आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने धीरे से उस फोन को जमीन पर से अपने हाथों में उठा लिया। वह धीरे से खड़ा हुआ और उसने उस मृगशावक को जमीन से ऊपर उठाया। इट्स लेग हंग लिम्पली, लिम्पली का मतलब होता है लंगड़ाहट, ठीक है। तो उसकी जो लेग्स थी वो नीचे लटक रही थी या झूल रही थी लंगड़ाहट से, मतलब जब उसने उस फोन को गोद में उठा लिया था जॉर्डी ने, तो उसकी जो लेग्स थी, उसकी जो टांगी थी, वो लंगड़ाहट से नीचे की ओर झूल रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स। वे आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी, जो उसकी जो लेग्स थी वो सरप्राइजिंगली लॉन्ग यानी कि आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी। एंड ही हैज टू होस्ट द फोन, और उसने उस फोन को जितना ऊंचा उठाना पड़ा जितना कि पॉसिबल था, अपनी बाहों में उसने उस फोन को ऊपर उठा लिया। होस्ट का मतलब होता है पुल अप हायर, मतलब जितना ऊंचा उठा पाना पॉसिबल था उतना ऊंचा उसने उस फोन को उठा लिया था। ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत था, दैट इट माइट किक और ब्लीड एज साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कि जो जॉर्डी था वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत था, डरा हुआ था या उसे आशंका थी कि अपनी माँ की स्मेल को सूंघ करके, स्मेल ऑफ इट्स मदर का मतलब अपनी माँ की जो गंध है उसको सूंघ करके या उस दृश्य को देख करके वो उसे या तो किक कर सकता है, उसे टांग की मार सकता है, या फिर ब्लीड, ब्लीड का मीनिंग होता है मिमियाना, जो कि जानवरों के बोलने की आवाज़ होती है, तो या तो वो मिमिया सकता है या उसे किक कर सकता है, मतलब उसे टांग की मार सकता है। ही स्किटेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। ही स्किटेड, स्किटेड का मीनिंग क्या होता है, किनारे किनारे चलना, ठीक है। तो ही स्किटेड, वह किनारे किनारे चला, कहाँ पर, क्लियरिंग, बिल्कुल साफ मैदान के किनारे किनारे की ओर चला। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, थिकेट का मतलब होता है झुरमुट, और उसने उस झुरमुट से, जो वो झुरमुट जहाँ पर घास फूस का था, उस झुरमुटों के बीच से उसने अपना रास्ता बना लिया था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विथ इट्स बर्डन, इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट, उसके लिए मुश्किल था, वो वहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था थ्रो विद हिज बर्डन, उसके बोझ के साथ वह वहाँ पर लड़ाई या लड़कर नहीं गुजर सकता था। यह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि वो लड़कर उसे गोद में लेकर या उसके बोझ को लिए हुए लड़कर गुजरना कठिन था उसके लिए। द फोन्स लेग कॉट इन द बुशेज, जो फोन की जो लेग्स थी, जो टांगे थी, वो एक झाड़ियों के अंदर फंस गई थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, और वह अपनी टांगों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं उठा सका, मतलब क्योंकि वो उसकी गोद में था, जॉर्डी की गोद में था, तो वह जब उसकी टांगें उस झाड़ियों में फंस गई थी तो वो अपनी टांगों को उस झाड़ियों से बाहर स्वतंत्रतापूर्वक नहीं निकाल सका। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन, ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस, उसने अपने चेहरे को कंडीली अंगूर की लताओं से बचाने का भी प्रयास किया। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और उसका जो सिर था, बॉब का मीनिंग होता है झूल रहा था, उसका जो सिर था वो झूल रहा था, कहाँ पे, उसके लंबे कदमों की वजह से, मतलब उसकी जो टांगे थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो उन लंबे कदमों की वजह से उसका जो सिर था वो झूल रहा था। हिज हर्ट ट्रम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका जो हार्ट था, उसका जो हृदय था, उसका वो भी इस बात की उसे स्वीकृति दे रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका जो हृदय था इसकी उसके स्वीकृति के आश्चर्य से धड़क रहा था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। ही रीच द ट्रेल, ट्रेल का मीनिंग क्या होता है, ट्रेल का मीनिंग होता है पगडंडी, वह उस पगडंडी तक पहुंच गया, कहाँ पर, वॉक फास्ट एज
जितनी जल्दी वो चल सकता था, वॉक एज फास्ट एज, जितनी जल्दी जल्दी वो चल सकता था, जितना कि संभव था उसके लिए चलना, उतनी जल्दी जल्दी चलते हुए वो उस पगडंडी तक पहुँचा। और जब तक कि वह अंटिल का मतलब जब तक ही केम टू द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड होम, घर जाने वाली सड़क के कटान तक जब तक कि वो नहीं पहुंच गया, तब तक वो जल्दी जल्दी चल रहा था और उस पगडंडी को उसने जल्दी जल्दी चलते हुए पार किया। ही स्टॉप टू रेस्ट, फिर वह आराम करने के लिए रुका, एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने उन डैंगलिंग मतलब लड़खड़ाती हुई टांगों के ऊपर ही उस मृग शावक को नीचे खड़ा कर दिया। थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसने उन लड़खड़ाती टांगों के ऊपर ही उस मृग शावक को नीचे उतार दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, जो बच्चा था मृग शावक जो था वो उसके ऊपर वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब होता है डगमगाया, वो थोड़ा डगमगाया उनके ऊपर। ही लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा उसने, एंड ब्लीटेड, और फिर मिमियाया। ही सेड एनचेंटेड, जैसे कि वो कह रहा था, एनचेंटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होकर, जैसे कि वो मंत्रमुग्ध होकर कह रहा था, उसे ऐसा लगा कि आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, कि मैं सांस लेकर या अपनी सांस सामान्य होने के बाद तुम्हें उठा लूँगा। ऐसा उसे लगा जैसे उसने मंत्रमुग्ध होकर कहा कि मैं अपनी सांस सामान्य होने के बाद तुम्हें उठा लूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई कि दैट ए फोन वुड फॉलो, कि एक फोन, एक मृग शावक जो है वो हमें फॉलो करेगा, हमारे पीछे पीछे चलेगा, इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, यदि उसे एक बार गोद में उठा लिया गया है तो वो हमारे पीछे पीछे चलता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, वो धीरे धीरे चलने लगा। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फोन था वो उसे पीछे से देखने लगा। जो फोन था वो स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, और आफ्टर का मतलब होता है पीछे से, तो उस फोन ने उसे पीछे से घूरते हुए देखा। ही कम बैक टू इट, और वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फोन था उसने स्टेयर्ड आफ्टर हिम, स्टेयर का मतलब था घूरते हुए देखना, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, जो फोन था उसने पीछे की ओर घूमते हुए देखा, पीछे से वो उस जॉर्डी को देखने लगा। जब जॉर्डी उस फोन से आगे आगे चलने लगा, तो जॉर्डी जो है जब आगे जा रहा था तो फोन उसे पीछे से घूर कर देखने लगा। एंड ही कम बैक टू इट, वह वापस उसके पास आया, कौन, जॉर्डी जो है वापस उस फोन के पास आया, एंड स्टॉप इट एंड वॉक वे अगेन, और वापस उसके पास आकर उसे सहलाया और फिर वापस से चलने लगा। इट टूक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप टूवर्ड हिम, इस तरह से कुछ डगमगाते हुए कदम, वॉबलिंग स्टेप का मतलब होता है डगमगाते हुए कदम, उसकी ओर उसने बढ़ाए, किसने, जो फोन था उसने कुछ डगमगाते हुए कदम जॉर्डी की तरफ बढ़ाए, एंड क्राइड पीटियसली, और फिर काफ़ी दयनीयतापूर्ण तरीके से चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इससे ये साफ हो चुका था कि वो उसके पीछे पीछे चलना चाहता है। विलिंग का मतलब होता है किसी बात का इच्छुक होना या उस बात के लिए राजी हो जाना। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, कि वो उसका पीछे पीछे चलने के लिए विलिंगली यानी इच्छुक है, उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार है। इट बिलोंग टू हिम, यह उससे संबंधित था। इट वॉज हिज ऑन, क्योंकि यह उसका खुद का था, अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद द जॉय, लाइट हेडेड का मतलब क्या होता है, अनएबल टू थिंक क्लियरली, किसी बात के बारे में स्पष्टता से नहीं सोच पाना, ठीक है। तो वो कहता है कि ही वॉज लाइट हेडेड विद द जॉय, कि वो खुशी से इतना ज़्यादा उछल कूद करने लगा, इतने खुशी के मारे कुछ भी सोच पाने में असमर्थ था, कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल का मतलब होता है पुचकारना, वह इसे पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम विद इट, उसके साथ दौड़ना उछल कूद करना चाहता था। और टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसे पुकारना चाहता था अपने पास बुलाने तक, अपने पास आने तक वो उसको बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, अलार्म का मतलब होता है फ्राइटन यानी भयभीत करना, वह बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सका। डेयर नॉट का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना, कि उसने बिल्कुल भी साहस नहीं किया कि वह उसे भयभीत करे। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिज टू आर्म्स, और उसने अपने सामने की दोनों भुजाओं में, अपनी दोनों भुजाओं में उसे अपने सामने उठाकर इसे ले गया। इट सीम टू हिम, यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ही वॉक विदाउट एफर्ट, कि वो बिना प्रयास के चला, जैसा उसको फील हुआ। हिज आर्म्स बिगन टू एक, अब उसकी बाहों में दर्द होने लगा, जो बच्चा था जॉर्डी उसकी जो बाहें थी, जो आर्म्स थी उसकी, अब वो एक का मतलब होता है दर्द करना, उन्होंने दर्द करना शुरू कर दिया। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, वो वापस रुक जाने के लिए बाध्य था, मतलब अब उसे रुकना ही पड़ा। वैन ही वॉकड ऑन, लेकिन जब वो फिर से चला, द फोन फॉलो हिम, तो मृग शावक जो है वो तुरंत उसके पीछे पीछे चला। ही फॉलो इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, ही अलाउ इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, और उसने
उसे कुछ दूरी तक चलने की अनुमति दी। मतलब जो जॉर्डी था उसके हाथ जब दर्द करने लगे तो उसने उस फ़ोन को नीचे उतार दिया और फ़ोन जो था वो उसके पीछे पीछे चलने लगा एक बार तो, लेकिन ही अलाउ इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने अनुमति दी कि वो कुछ दूरी तक उसके पीछे पीछे चले। देन पिक इट अप अगेन, और फिर दोबारा उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की जो दूरी थी वो कुछ भी नहीं थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरे दिन और पूरी रात में भी चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, कैरिंग इट मतलब इसे गोद में ले जाते हुए और या फिर इसे पीछे पीछे आते देखते हुए वो इसे पूरे दिन और पूरे रात में भी लेकर चल सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से पूरा गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन जून के महीने की सुबह जो कूल ब्रीज, जो ठंडी हवाएं जो चल रही थी, मंद शीतल पवन जो चल रही थी, वो उसे शीतलता दे रही थी, मतलब उसे ठंड का आभास करवा रही थी, उसे कुछ शीतलता प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, जो आसमान था जो कि इतना साफ था, जो आसमान जो था वो इतना साफ था जैसे कि नीली मिट्टी, नीले जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस नीले चीनी मिट्टी के रूप में जो झरने का जो जल होता है उतना साफ आसमान दिखाई दे रहा था। He came to the clearing. वो साफ मैदान की तरफ अब आ चुका था, मतलब साफ स्थान पर अब वो आ चुका था। It was fresh and green after the night's rain. और रात की हुई बारिश की वजह से ये बिल्कुल साफ था। बिल्कुल साफ होने का मतलब जो साफ जो जगह थी जहाँ पर वो आ चुका था, तो ये जो जगह थी रात की बारिश की वजह से बिल्कुल साफ और बिल्कुल हरी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल ताज़ा दिखाई दे रही थी। He fumbled with his luck. विद द लच, ही फंबल्ड, फंबल्ड का मतलब क्या होता है, टटोलना, और लच का मतलब होता है सिटकनी, जिसको हम सिटकनी बोलते हैं जो कि गेट के ऊपर लगी होती है। तो फिर ही फंबल्ड विद द लच, उसने उस सिटकनी को धीरे से टटोला एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और फिर उस मृग शावक का प्रबंध करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आखिरकार उसने उस मृग शावक को एक बार नीचे रखा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि जब वो घर के अंदर जाएगा तो घर के अंदर चलकर इन टू द पैनीज बेडरूम, जब वो पैनी के बेडरूम में जाएगा तो विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, तो वो पीछे जो फोन है उसको अपने पीछे पीछे चलाकर ले जाते हुए पैनी के बेडरूम में जाएगा, ऐसा उसे विचार आया। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो मृग शावक जो था वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसके पीछे पीछे पैनी के बेडरूम तक जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन उन सीढ़ियों के ऊपर जहाँ पर वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, द फोन बकल्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम। देन जो फोन था उसने उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से मना कर दिया, रिफ्यूज यानी मना करना, तो वो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से अनिच्छुक था, मतलब वो उनके ऊपर चढ़ना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, इसलिए उसने फिर से उसे गोद में उठाया और अपने फादर के पास गया। पैनी ले विद क्लोज आइज, जो पैनी था वो अपनी आँखें बंद करके सो रहा था, अपनी आँखें बंद करके लेटा हुआ था। जॉर्डी कॉल्ड, पा लुक, जॉर्डी जो है उसने पुकारा कि पा लुक, पिताजी देखो। पैनी रिटर्न्ड हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जॉर्डी स्टूड बिसाइड्स हिम, जॉर्डी जो है उसके बिल्कुल पास ही में खड़ा था। द फोन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने उस मृग शावक को बिल्कुल कसकर पकड़े हुए था, कसकर अपने से चिपकाए हुए खड़ा था। इट सीम टू पैनी दैट, तो पैनी को ऐसा प्रतीत हुआ कि दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, कि जो बॉय है जो जॉर्डी है उसकी आंखें भी उतनी ही चमकीली थी जितनी कि फोन की। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड इट, कि मैं खुश हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया है। जॉर्डी देन वेंट टू द किचन, जॉर्डी जो है वो किचन तक गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, जो फोन है जो मृग शावक है वो भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए वहाँ तक गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, सुबह के दूध का एक पैन, पैन का मतलब होता है बर्तन, जो कि किचन में बिल्कुल सेफ रखा हुआ था, सुरक्षित रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर अब मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने उस मलाई को हटाया एंड इन टू ए जग, एक जग में डाल दिया। एंड ही पॉर्ड मिल्क इन टू ए स्मॉल गॉड, गॉड कहते हैं एक तुम्बा प्रकार का बर्तन होता है जिसमें आगे की तरफ तो नुकीला होता है और पीछे से उसमें स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा, किसी भी लिक्विड चीज़ को डालने के लिए काम में लिए जाने वाला बर्तन होता है। तो ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, उसने उस सारे दूध को एक छोटे गॉड प्रकार के नहीं तुम्बा टाइप के एक बर्तन में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उस फोन के सामने, उस मृग शावक के सामने उस बर्तन को पकड़ के रखा। इट ब्यूटेड इट सडनली, ब्यूटेड का मतलब होता है सिर से टक्कर मारना, कि उस जो फोन था उस फोन ने अचानक ही सिर से टक्कर मारी, उस बर्तन के सिर से टक्कर मारी। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघ करके,
जैसे ही उस मिल्क को सूंघा उसने, दूध को सूंघा उसने, तो उसने अचानक से सिर से उस बर्तन को टक्कर मारी। ही सेव्ड इट, और उसे बचा लिया गया। प्रिकेलेस्टी का मतलब होता है खतरनाक ढंग से, ठीक है। तो ही सेव्ड इट प्रिकेसली फ्रॉम स्प्लिंग ओवर द फ्लोर। स्प्लिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो उस जमीन पर फैलने से या जमीन पर गिरने से खतरनाक ढंग से बचाया गया। किसे? उस दूध को। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और उस गॉड में रखे हुए, उस तुम्बे में रखे हुए दूध का कुछ और उपयोग अब वो नहीं कर सका। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। उसने अपनी अंगुलियों को उस दूध में डुबोया एंड थ्रस्ट देम, और उन्हें ठूंस दिया उस फॉन के बिल्कुल सॉफ्ट और गीले माउथ के अंदर, गीले मुँह के अंदर। इट सक्ड ग्रीडली, जो वृक्षावक था उसने उन अंगुलियों को चूसा लालच से। वैन ही विड्रू देम, जैसे ही उसने अपनी अंगुलियों को विड्रॉ किया, अपनी अंगुलियों को जैसे उसने बाहर खींचा, इट ब्लीटेड फ्रेनेटिकली, तो जो वृक्षावक था वो बिल्कुल फ्रेनेटिकली यानी बिल्कुल व्यग्रता से मिमियाने लगा। एंड ब्यूटेड हिम, और सिर से टक्कर मारी। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने दोबारा अपनी अंगुलियों को दूध में डुबोया। एंड एज द फॉन सक्ड, और दोबारा उस वृक्षावक ने चूस लिया। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, इस तरह से धीरे धीरे दूध के अंदर तक नीचा कर दिया, मतलब दूध जो था वो पूरा इस तरह से उसे पिलाया जाने लगा। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, जो फॉन था, जो वृक्षावक था, उसने प्रहार किया पहले तो, और फिर उसने सक, मतलब सारा दूध चूस लिया, और फिर स्नॉटेड का मतलब था फुफकारना, और फिर फुफकारा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, और उसने अपने छोटे छोटे हूफ्स यानी छोटे छोटे जो खुर थे उसके, उनको स्टैम्प्ड का मतलब होता है जमीन पर पटक कर मारना, तो जमीन पर पटक कर मारा। और इम्पेशेंटली का मतलब होता है अधीरता से, बिल्कुल अधीरता से उसने अपने छोटे छोटे खुरों को जमीन पर पटक कर मारा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और जब तक कि उसने अपनी अंगुलियों को दूध के स्तर से नीचे रखी, मृक्षावक क्या था, बिल्कुल ही कंटेंट हो चुका था, बिल्कुल ही संतुष्ट हो चुका था। जैसे ही उसने दूध धीरे धीरे कर उन अंगुलियों के माध्यम से पी लिया था, तो अब जो फोन था वो बिल्कुल कंटेंट हो चुका था, बिल्कुल संतुष्ट हो चुका था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और उसने अपनी आँखों को बिल्कुल मदमस्त होकर अपनी आँखों को उसने बंद कर लिया। इट वॉज एकेटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और इसके जीभ को अपने हाथ पर महसूस करना अब उसको कैसा लग रहा था, बिल्कुल खुश कर देने वाला, बिल्कुल आह्लाद कर देने वाला लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकेड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी पूंछ थी वो फ्लिकेड हो रही थी, मतलब हिल रही थी, आगे पीछे पीछे हिल रही थी। फोर्थ का मतलब होता है आगे और बैक का मतलब होता है पीछे, तो उसकी जो छोटी पूंछ थी वो बिल्कुल फ्लिकेड हो रही थी आगे पीछे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गार्गलिंग, और लास्ट ऑफ द मिल्क, और दूध की अंतिम जो घूंट थी, उस अंतिम घूंट को, वैनिश का मतलब होता है समाप्त करना, स्विल का मतलब होता है चक्कर खाते हुए, झाग के रूप में, गागलिंग करते हुए, गागलिंग का मतलब होता है गड़गड़ की जो आवाज़ होती है जो कि मुंह से की जाती है, तो उस दूध की अंतिम घूंट चक्कर खाते झाग के रूप में गड़पने की आवाज़ के साथ ही समाप्त हो गई, यानी कि उस बच्चे के द्वारा सारा दूध पी लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। क्वेश्चन फर्स्ट आपका आता है, हाउ डिड जॉर्डी ब्रिंग द फोन बैक होम, जॉर्डी जो है वो उस फोन को वापस घर कैसे लेकर आया। तो जॉर्डी ब्रॉट द फोन बैक होम बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में पकड़कर, अपनी बाहों में लेकर वो उसे अपने घर लेकर आया। जॉर्डी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, जॉर्डी जो है वो बिल्कुल इमोशन यानी बिल्कुल भावनाओं से भर गया था जब उसने उस वृक्षावक को ढूंढ लिया था। कैन यू फाइंड एटलीस्ट थ्री वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट, कि आप क्या ऐसे तीन उदाहरण बता सकते हैं जिन्हें ये महसूस होता है, जिनसे ये पता चलता है कि हाउ ही फेल्ट, कि उसने कैसा महसूस किया। जॉर्डी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, लाइट हेडेड विद जॉय का मतलब होता है सोचने में असमर्थ होना। वॉन्टेड टू फॉन्डल इट का मतलब होता है उसे पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम विद इट, उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसके साथ उछल कूद करना चाहता था, ठीक है। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड, जो डियर का जो बच्चा था, छोटा हिरण जो था वृक्षावक, उसने कैसे उस गॉड से, कैसे उस तुम्बे से उस दूध को पिया। एट फर्स्ट द फोन कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, सबसे पहले वो उस तुम्बे के दूध का कुछ नहीं कर सका, लेकिन जॉर्डी डिप्ड हिज फिंगर, जॉर्डी ने अपनी अंगुलियों को उस
दूध में डुबोया एंड एज द फॉन सक्ड और मृग शावक ने उन अंगुलियों को चूस लिया। ही लॉर्ड देम इनटू द मिल्क और उसने अपनी अंगुलियों को दूध के अंदर तक नीचे कर दिया। इट एन्जॉय द मिल्क बाय क्लोजिंग इट्स आई ड्रीमली और दूध का आनंद उसने कैसे लिया, अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल मदमस्त होकर, बिल्कुल ड्रीम लिया ने, बिल्कुल जैसे वो सपने में दूध पी रहा था ठीक वैसे ही उसने उस दूध को आनंद से पिया। Why didn't the phone follow जॉडी अप टू स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, वाई डिडंट द फोन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। वाई डिडंट द फोन फॉलो जॉडी कि जो जॉडी जो मृग शावक जो था वो जॉडी के पीछे पीछे जा रहा था लेकिन क्यों नहीं जा सका, कब, अप द स्टेप्स उन सीढ़ियों के ऊपर, एज ही हैड थॉट इट वुड जैसा कि उसने सोचा था कि वो चढ़ जाएगा लेकिन वो उसके ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। द फोन डिडेंट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स बिकॉज इट वॉज वीक एंड स्मॉल क्योंकि वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी ज़्यादा वीक था। इट बकल्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम और उसने उनको चढ़ने में अपनी अनिच्छा दिखाई थी, अपनी इच्छा नहीं प्रकट की थी, वो नहीं चढ़ना चाहता था एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम और उसने चढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट होते हैं और आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके साथ आपकी ये वीडियो समाप्त होती है, तब तक के लिए गुड डे।